टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी की मच अवेटेड फिल्म बागी 2 शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ ही दर्शकों में इस फिल्म को लेकर उत्साह काफी ज्यादा बना हुआ है। जहां एक तरफ फिल्म समीक्षकों से इस फिल्म को अच्छे खासे रिव्यू मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऑडियंस भी इस फिल्म को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये फिल्म फ्लॉप साबित होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म में वही घिसा पिटा एक्शन सीन और रोमांस दिखाया गया है, इसको देखने के बाद ऑडियंस उतना ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ऑडियंस का मानना है कि वो टाइगर श्रॉफ को इस तरह से एक्शन सीक्वेंस करते हुए पहले भी देख चुके हैं। और बात करें फिल्म की एक्ट्रेस यानी कि दिशा पटनी की, तो उनकी एक्टिंग में भी उतना दम नजर नहीं आ रहा है, उनकी एक्टिंग भी बिल्कुल साधारण है। जहां एक तरफ फिल्म की स्टोरी का सवाल है, तो फिल्म की स्टोरी भी ऑडियंस के मुताबिक हर सीन के बाद गेस की जा सकती है, जिसकी वजह से फिल्म में कोई भी सस्पेंस नहीं है। हालांकि हैरतअंगेज एक्शन से दर्शकों को खुशी तो हुई है, लेकिन दर्शक टाइगर श्रॉफ से इससे भी ज्यादा एक्शन देखना चाहते थे। फिल्म का म्यूजिक भी उतना ज्यादा दमदार नहीं है जितना कि बागी 2 की प्रीक्वल यानी कि बागी 1 का था। बागी 1 के सभी गाने काफी ज्यादा हिट हुए थे, जबकि बागी 2 का सिर्फ एक ही गाना हिट हो पाया है। इन सभी चीजों को अगर साथ में रखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये फिल्म हो सकता है कि फ्लॉप साबित हो। और जितना इस फिल्म से कमाई की उम्मीद लगाई जा रही है, उतना ये फिल्म कमाई ना कर पाए। हालांकि ट्रेड एंड फिल्म एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फिल्म पहले हफ्ते में 40 से 50 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। लेकिन ये तो बात रही पहले हफ्ते की, दूसरे हफ्ते का क्या? क्या ये फिल्म दूसरे हफ्ते तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में।